गुरु से कछु न दुराइये, गुरु से झूठ न बोले, बुरी बली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोले। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सब गुरु, कहा शिपावे अंद। गुरुमुखों संत महापुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि झूठ बोलने की आदत अच्छी नहीं होती। इसका कारण ये है कि जब एक झूठ बोला जाता है तब उसे छुपाने के लिए दो झूठ और बोलने पड़ते हैं, चतुराई और शल बल का सहारा लेना पड़ता है। यह आदत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती हैं कि फिर झूठ और छल कपट करना स्वभाव बन जाता है। जब यह आदत हो जाती है तो मन मलिन हो जाता है। जब मन मलिन हो जाता है तब कर्म भी मलिन होने लगते हैं। फिर मलिन कर्म होते होते बुद्धि भी मलिन हो जाती है, उसे अपनी हानि लाभ का ज्ञान नहीं रहता, आत्मा की आवाज़ दब जाती है, फिर पाप कर्म शुरू हो जाते हैं। संत महापुरुषों के उपदेश भी असर नहीं करते। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि हे जीव, भूल हो जाना भूल नहीं है, भूल को न मानना भूल है। भक्ति में यह आदत अच्छी नहीं है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का भी वचन है कि गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाए। कि हे जीव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो गुरु के सामने झूठ न बोल। सच कह देने से गुरु प्रसन्न होते हैं और आगे चलने के लिए मार्ग साफ हो जाता है कि जिससे भक्ति में उन्नति करने का अवसर मिलता है, अपनी भक्ति बढ़ती है, दूसरे जीवों को भी उससे लाभ मिलता है। परंतु जो गुरु के सम्मुख झूठ बोलने की आदत बना लेता है उससे दूसरों का कल्याण होना तो दूर रहा, उसका अपना कल्याण भी खतरे में है। आगे फरमाते हैं कि मन के पाप को अंदर दबाना नहीं चाहिए, उसे प्रकट कर देना ही अच्छा होता है। इसका कारण ये है, जैसे एक रोगी होता है, वो अपने रोग को अपने डॉक्टर के आगे प्रकट कर देता है तो उसका इलाज हो जाता है। परंतु इसके विपरीत यदि कोई रोगी शर्म के मारे अपने रोग को डॉक्टर से छिपाता है तो उससे क्या होगा? उसका रोग अंदर ही अंदर बढ़ता है और दूसरे रोग पैदा करता है। ऐसे ही जो जीव अपने मन के विकारों को अपने सद्गुरु के सम्मुख प्रकट कर देता है, अपनी भूल को मानता है, उसका मन शुद्ध रहता है। परंतु जो अपनी गलतियों को छिपाते हैं उनका मन मैला हो जाता है। शुद्ध मन वाले जीवों के संकल्प भी शुद्ध होते हैं और मलिन मन वालों के संकल्प भी मलिन होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि भक्तिमान गुरुमुख को अपने अवगुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए, उनको बाहर निकाल देने की आदत बनानी चाहिए। बाबा फरीद साहब एक पूर्ण संत थे, उन्होंने अपने विषय में रत्ती भर भी शर्म नहीं की। अपनी वाणी में साफ साफ लिख दिया है कि फरीदा काले मेड़े कपड़े, काला मेड़ा वेसू, गुनही बरिया मैं फिरा लोकू, कहे दरवेसू। बाबा फरीद साहब क्या वो गुनाहगार थे? नहीं, वे तो वैराग्य की मूर्ति थे, पूरे फकीर थे। उनका वचन है कि लोग मुझे भले ही दरवेश कहें लेकिन मैं तो एक गुनाहगार आदमी हूं। प्रेमियों, ये मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता की निशानी है। जो लोग गुनाहगार होते हुए धर्मात्मा होने का दावा करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनका हृदय शुद्ध नहीं है। जिनको अपने पाप और गुनाह दिखाई नहीं देते
उनकी परमार्थ की आँख बंद है। ऐसे जीवों से कभी दूसरों का भला हो ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनका मन ही मलिन है वो दूसरों का भला कैसे कर सकते हैं। सच्चे परमार्थी तो वे हैं जिनके मन की सफ़ेद चादर पर ये पांच विकार, इनके मैले दाग नहीं हैं। पांच विकार तो आपको विदित ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इनके दाग नहीं हैं। वो सच्चे परमार्थी हैं जिनके अंदर नम्रता और बोली में मिठास है, जिनके कर्म निष्काम हैं, मालिक के निमित्त हैं, जो सबके साथ प्यार से बरतते हैं, जिनके मन में किसी के लिए घृणा नहीं है, दूसरों की भलाई के लिए अपने ऊपर भी कष्ट सहन करते हैं, मालिक की प्रसन्नता को सम्मुख रखते हैं। ऐसे सज्जन पुरुषों से अनेकों का भला होता है और ऐसे ही सज्जन पुरुषों के ऊपर सद्गुरु की कृपा उतरती है, भगवान की कृपा उतरती है। आगे फरमाते हैं, जैसे एक बीज होता है, यदि वो बीज धरती में दब गया तो वो एक दिन फलता फूलता है। वो एक से अनेक होता है, लेकिन जो बीज धरती में दबता ही नहीं वो वहीं समाप्त हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों बीज हैं। जो लोग अच्छे कर्मों को मन में दबाते हैं उनके अच्छे कर्मों का उज्जवल यश एक दिन संसार में फैलता है, परंतु जो लोग बुरे कर्मों को मन में दबा कर रखते हैं उनके मन की बुराई को भी कुदरत एक दिन संसार में प्रकट कर देती है। कुदरत किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, ये उसका नियम है। वह किसी का लिहाज नहीं करती, उसके दरबार में न्याय है अन्याय नहीं है। जो जीव अपने अंतर में खोट रखता है और ऊपर से सच्चा चलता है, नेक बनने का यत्न करता है, वे लोगों में भले ही चार दिन अच्छे बन ले, परंतु मन की खोट का परिणाम तो उनको एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। जो अपने रास्ते में आप कांटे बीजता है, कल को अगर वही कांटे उसको छुपते हैं तो इसमें गलती दूसरे की नहीं, उसके अपने ही बीजे हुए बीज का फल है। मन में दबे हुए कर्म का बीज ही बाहरी दुनिया में प्रभाव डालता है। ऐसे ही हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पाछे गुरु महाराज जी अपनी वाणी में वचन फरमाते हैं कि संसार में प्राय देखा जाता है कि सब जगह प्रचार तो नेकी का होता है, परंतु फैल तो बदी रही है। इससे सिद्ध है कि जीवा पर तो अच्छे शब्द है लेकिन मन के अंदर कुछ और है, परंतु अंत में फल तो दबे हुए बीज को ही लगता है। एक दूसरे अवसर पर सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचनों में फरमाया कि एक साधु पहाड़ की गुफा में छिपकर भजन करता है, किसी को पता नहीं होता। तो एक दिन ऐसा आता है कि उसके भजन सिमरन का प्रताप सूर्य की भांति सारे संसार में फैल जाता है और अनेकों जीवों को रोशन करता है। ठीक इसी प्रकार एक मनुष्य पहाड़ की गुफा में बैठकर पाप कर्म करता है तो उसका पाप भी छिपा नहीं रहता, वह भी एक न एक दिन संसार में फैल जाता है।